बाद हमारी एसटीएफ की टीम सर एक अभियुक्त को लेकर के जो है रिमांड पर जा रही थी, क्योंकि यहाँ कानपुर आ रही थी, उसके साथ हमारी क्राइम ब्रांच कानपुर नगर की भी टीम थी। और यहाँ पर जैसे ही हाईवे के पास कुछ गाड़ी खराब हुई है, प्रभात मिश्रा ने हमारे पुलिस पार्टी उसकी पिस्टल छीन करके रहते हैं फायर कर दिया, जिससे मुठभेड़ में वो घायल हो गया और फिर अस्पताल में ले जा करके उसकी जो है मृत्यु हो गई है। इसी तरह आज इटावा पुलिस के साथ भी एक घटना, वहाँ पर स्विफ्ट डिजायर की लूट करके जो है कुछ बदमाश वहाँ पर बकेवर थाने में जो है वहाँ से भागे थे, और उस क्रम में पुलिस ने वहाँ लगातार वाहन चेकिंग प्रारंभ की, और उसके बाद वहाँ पर भी एक मुठभेड़ हुई है जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और तीन बदमाश उसके साथी जो है भाग खड़े हुए। पुनः ये जो पुलिस की टीम है जाते हैं, इस पर भी जो है हमारे जो कुछ कर्मी जो है घायल हुए हैं, और ये जो घायल बदमाश था इसको अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर इसकी शिनाख्त बहुवन शुक्ला जो कि विकास गैंग का एक बहुत ही बड़ा शूटर था, और इसके खिलाफ 50,000 का इनाम भी था। इस तरह हमारी इटावा पुलिस की टीम ने एक बहादुरी का अदम साहस और बहादुरी का काम किया है। उनके हौसला अफजाई हेतु आईजी रेंज मोहित अग्रवाल को हमने वहाँ भेजा है, वो रास्ते में है, और यहाँ पर हमारी जो एसटीएफ और कानपुर पुलिस द्वारा जो है ये पुलिस ने मुठभेड़ में जिसने पुलिस टीम पर फायर किया था, आज हम यहाँ पर अपनी टीम का हौसला अफजाई हेतु यहाँ आए हुए हैं। हमारी टीमों ने दोनों जगह जाते हैं बड़ी बहादुरी से काम किया है। क्या प्रभात मिश्रा पर भी इनाम था 50,000 का? जैसा आपको पता है कि ये पूर्व में ही पहले ही दिन से ये वांछित अपराधी था जाते हैं, और इस पे 25,000 का इनाम एसएसपी कानपुर नगर ने घोषित किया था, और इसको फिर फरीदाबाद पुलिस ने असलहों के साथ जाते हैं गिरफ्तार किया था। पूछताछ हेतु यहाँ लाया जा रहा था, उस क्रम में घटना हुई। जो साथी फरार हुए उनकी तलाश की जा रही है? हाँ, वहाँ इटावा पुलिस में, और जैसा हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस का भी बॉर्डर लगता है, वहाँ पर सभी हमारी जो टीमें हैं जो है अब चेकिंग कर रही हैं। उम्मीद है कि उसके जो तीन साथी फरार हुए हैं, हम उनकी भी उनके खिलाफ भी जो है सख्त गिरफ्तारी और कार्रवाई करेंगे।